दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने पीसी को ट्यून अप कर सकते हैं, और उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर ठीक से परफॉर्म करता रहे तो आपको सी ड्राइव में, यानी उस ड्राइव में जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल है, उसमें कुछ स्पेस 10-20 GB हमेशा खाली रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बिना किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट किए हुए 10-15 GB स्पेस सी ड्राइव से खाली कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं करने वाला ये हूँ, ये जो फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस, ये बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में होते हैं। तो मैं करने वाला ये हूँ कि इन सारे फोल्डर्स को किसी और ड्राइव में शिफ्ट कर दूंगा। इससे उतना जो स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए रहेंगे ये फोल्डर्स, उतना स्पेस सी ड्राइव से खाली हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको डाउनलोड्स फोल्डर को ई ड्राइव में शिफ्ट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कि लगभग 22 GB स्पेस जो है अभी फ्री है। जब मैं डाउनलोड्स को ई ड्राइव में शिफ्ट कर दूंगा तब आप देखेंगे कि कितना GB स्पेस खाली हो जाता है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए करना है आपको राइट क्लिक डाउनलोड्स पर, उसके बाद जाना है आपको प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको क्लिक करना है लोकेशन पर। आप अभी देख सकते हैं कि लगभग 5.5 GB स्पेस जो है ऑक्यूपाई किए हुए है डाउनलोड्स फोल्डर सी ड्राइव में। अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं तो 5.5 GB स्पेस एक बार में खाली हो जाएगा। आपको क्लिक करना है लोकेशन पर। आप देख सकते हैं कि अभी जो इसका लोकेशन है वो है सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स, विंडोज 10 एंड डाउनलोड्स। तो मैं इसको ट्रांसफ़र करके ई ड्राइव में ले जाने वाला हूँ। तो मूव पर क्लिक करके आप ड्राइव सिलेक्ट कर लें जिस भी ड्राइव में आप इसको ले जाना चाहते हैं। तो मैं ई ड्राइव में इसको ले जाना चाहता हूँ, तो ई ड्राइव को मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप मैन्युअली भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से क्रिएट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डाउनलोड्स नाम से। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई पर। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ये जो फोल्डर आपने नाम लिखा है डाउनलोड्स वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको कर देना है यस। यस करने के बाद आपको एक बार फिर से कंफर्मेशन मांगेगा कि आप इसको मूव करना चाहते हैं। फिर से यस कर दीजिए तो आपका मूविंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके फोल्डर में कितना फाइल्स है। आप देख सकते हैं ये अभी 1529 जो फाइल्स हैं उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये लगभग प्रोसेस जो है कंप्लीट होने ही वाला है। तो अब आपको कर देना है ओके, और ये हो गया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, ये स्पेस जो है 27.8 GB जो है स्पेस खाली हो गया। उससे पहले जो था वो लगभग 22 GB था, अब 5.5 GB खाली हो गया, तो 27.8 GB स्पेस खाली हो गया। उसी तरह से आप डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, पिक्चर्स, वीडियोज सबको आप किसी और ड्राइव में शिफ्ट करके आप ढेर सारा स्पेस जो है सी ड्राइव में खाली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स को किसी और ड्राइव में शिफ्ट करके रखा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोज आपको आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।